नमस्कार, ये पांच की बात। पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा विधेयक 2023 पास हो गया है। सिख गुरुद्वारा एक्ट में 1925 में एक नई धारा जोड़ी गई है, जिसमें लिखा गया है कि हरमंदिर साहब से प्रसारित होने वाली गुरबानी के आधा घंटे पहले और आधे घंटे बाद कोई विज्ञापन नहीं चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो भी चैनल लगाओ उस पर गुरबानी ही आए। पीटीसी चैनल को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं पीटीसी को गुरबानी के प्रसारण से नहीं रोक रहा, इतना कह रहा हूं कि बाकी चैनलों को भी गुरबानी चलानी चाहिए। फ्री टू एयर नहीं है जी, एक्सक्लूसिव राइट्स ने इन्हों इंग्लिश कहते हैं सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि मैं ही इस कॉन्टेंट का मालिक हां। कॉन्टेंट हो गया जो लिखा है, एक मालिक बन गए सर। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने को लैके कहते हैं फ्री टू एयर है, कि फ्री टू एयर है जो असी कह रहे हैं। असी ये कह रहे हैं कि उत्थे कैमरे ले आने की लोड़ नहीं है जी, जी बाहर फीड आऊगी उन फीड कहें जी वो सारे वास्ते फ्री कर दो। जिमें कि आप हम इस वक्त विधानसभा इतने कैमरे किन्ने किन्ने जी, पर सारे चैनलों पर लाइव चल रहा है जी। तो अब इसके बाद पंजाब में जबरदस्त राजनीतिक उठापटक हो रही है। असल में अब तक बादल परिवार का जो पीटीसी चैनल है उसी पर गुरबानी का सीधा प्रसारण होता है और कोई भी चैनल अब बिना किसी टेंडर के इसका सीधा प्रसारण कर सकता है। तो ऐसे में पीटीसी चैनल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो अकाली और मान सरकार एक दूसरे के खिलाफ है। तो देखिए कि क्या है ये पूरा विवाद। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से हरमंदिर साहब से गुरबानी का प्रसारण होता है। 1998 से सुबह और शाम को यह प्रसारण होता है। 2007 से प्रसारण का अधिकार पीटीसी चैनल के पास है। बादल परिवार के पास पीटीसी चैनल का स्वामित्व है। प्रसारण के लिए पीटीसी सालाना 2 करोड़ देता है। एसजीपीसी के सभी कार्यक्रमों का भी दुनिया भर में प्रसारण हो रहा है। पीटीसी नेटवर्क का प्रसारण 10 से 12 करोड़ खर्च का दावा भी है। जुलाई 2023 में यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल पास हो गया है। सब चैनलों को गुरबानी के प्रसारण की आजादी है। एसजीपीसी का कहना है कि धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जो राजनीतिक उठापटक इस पर है वो क्यों है, प्रोफेसर विरसा सिंह वल्टोहा हैं जो प्रवक्ता हैं अकाली दल के, और मलविंदर सिंह कांग हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो अब ये विधेयक तो पास हो गया और ये एक्ट बन गया, लेकिन प्रोफेसर वल्टोहा इसके ऊपर समस्या क्या है, सियासत क्यों है, इतना हंगामा उठापटक अगर तमाम चैनल्स ये प्रसारित करेंगे तो इसमें क्या समस्या है? देखिए, समस्या हमें नहीं है, समस्या सिखों को नहीं है, समस्या भगवंत मान, केजरीवाल और उनकी सरकार को है, या उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको है, या वो उन लोगों को दिक्कत है जो श्रोमणी अकाली दल के विरोधी हैं, जहां उन लोगों को दिक्कत है जो सिखों को कमजोर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बवेला खड़ा करना चाहते हैं, पंजाबी में पंबल उसा कहते हैं, वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली तो बात है कि शायद आपको मालूम नहीं है नगमा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों को कोई थाली में परोस कर नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, इसमें बहुत शहीदियां हुई हैं, कुर्बानी हुई हैं, लाखों लोग जेलों में गए हैं। तो तब अंग्रेज हुकूमत जिसके राज्य में हम सभी बात करते हैं कि सूरज भी नहीं डूबता था जी, तो उसके राज में सिखों ने ये ली थी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संवैधानिक तौर पे। और दूसरी बात जो है, उस समय जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भी श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट बाबा खड़क सिंह को टेलीग्राम करके कहा था। एक बार मैं समझना चाहती हूँ कुछ, प्रोफेसर वल्टोहा आपने कहा कि ये बांटने की कोशिश है, तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये अगर तमाम चैनल पे प्रसारित होता है तो इनकी क्या नीयत है, ये किस तरह से बांट रहे हैं सिखों को, क्यों आप ये कह रहे हैं कि बांट रहे हैं, कैसे बांटते हैं सिख इससे? मैं इसमें बताता हूँ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक धुरा है सिखों का, श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है सिखों के लिए, उसके बाद जो एक पैरेलल बॉडी है जो सिख गुरुद्वारों का प्रबंध देखती है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो एक संवैधानिक बॉडी है जो सिखों द्वारा संविधान के तहत दिए हुए अधिकार के द्वारा चुनी जाती है, तो
उसके काम में सरकार दखल दखलंदाजी करने की कोशिश करेगी, अच्छा, तो प्रबंध में दखलंदाजी आएगी, तो वो संस्था कमजोर होगी। तो ऐसा कमजोर करने का देखो भगवंत मान का तो शायद जरूरत नहीं कर सके जी। इसके पीछे केजरीवाल जी हैं। अच्छा ठीक है, तो मलविंदर सिंह कांग हमारे साथ हैं। आपने कहा है कि ये केजरीवाल जी के एक तरह से षड्यंत्र है कि ये एसजीपीसी को कमजोर किया जाए, यही इसी नियत से ये किया गया है। मलविंदर सिंह कांग जी, नगमा इसमें कोई लॉजिक तो कोई नहीं बताया। असल में क्या है नगमा जी, सर्वसांझी जो गुरबाणी है, जो गुरबाणी का संदेश है वो है सर्वसांझा, सरबत के भले के लिए और सबके लिए। और आज जो मान साहब ने फैसला लिया है मान साहब की सरकार में, उसमें भी जो गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, उसमें एक एक्ट 125 सेक्शन 125 में ए जोड़ा है, जिसके आधार पर जो सबसे पवित्र जगह है श्री दरबार साहब, वहां से जो गुरबाणी का प्रसार हो रहा है पिछले कई सालों से, वहां एक चैनल की मोनोपोली है, एक परिवार के चैनल की मोनोपोली है, जो कि गुरु लेकिन इस आरोप पे आप क्या कहेंगे कि ये एसजीपीसी के काम में दखल है, ये धार्मिक कामकाज में दखल है सरकार का? नहीं, इसमें बड़ा स्पष्ट है, मान साहब ने जो फैसला लिया, अब फ्री टू एयर फ्री ऑफ कॉस्ट, दुनिया भर में जो गुरु तो कह रहे हैं ना कि फ्री टू एयर तो पहले भी था, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं कोई बिल तो है नहीं कि किसी ने इसके लिए कोई पैसे दिए हो? नहीं था, एक एक चैनल की मोनोपोली थी पीटीसी की जी, और नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में $54 पर मंथ दिए जाते थे, टीआरपी से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता था, और धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति भी कर रही थी, एक परिवार के लिए राजनीतिक फायदा लिया जा रहा था। बलटोहा, एक परिवार की राजनीति हो रही थी और एक चैनल की मोनोपोली थी सिर्फ इस पर, तो ये मोनोपोली क्यों रहे? देखो नगमा, सबसे पहली बात तो ये कि ये 2012 से जो पीटीसी चैनल है वो कीर्तन प्रसारण कर रहा है गुरुवाणी का, ठीक है, तो 2012 में है। मैं कि एक ही चैनल की क्या, क्यों इसके ऊपर एक मोनोपोली एकाधिकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, तो वो आप इसका कोई जवाब दें कि क्यों ऐसा रहना चाहिए। हाँ, उसी पे आ रहा हूं कि 2012 में हमारी सरकार बन चुकी थी, दोबारा रिपीट हो चुकी थी, तो जेकर हम राजनीति करते थे उसका कोई हमें लाहा होता था, तो 2017 हम 17 हम हार गए, 2022 हम हार गए। पहली बात तो ये है, इसको यहीं छोड़ दो, हमने कभी भी पीटीसी का सिमरन के नाम पे, कीर्तन के नाम पे कभी ना हमने कभी सियासत की है, तो ना हम कर सकते हैं, तो ना हमारा। और दूसरी बात, जो आपका सवाल है ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर गुरबानी ज्यादा चैनल से प्रसारित हो तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं, पहली तो बात है कि जहां तक पीटीसी को राइट्स दिए थे तो वो एक शर्तों के निजमों के तहत दिए थे, ये गुरबाणी है, ये कोई शो तो है नहीं कि सभी ले कर दो, जब विधानसभा का जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है कि सभी ले कर दो, गुरबाणी की एक मर्यादा है, उस शर्तों को जो पूरा करता है तो वो वहां आ सकता है, तो शर्तें देखकर, निजम देखकर, जेकर स्वीकार करता है। तो अब ये बिना टेंडर के कोई भी इसको प्रसारित करेगा तो जो मर्यादाएं हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा कांग साहब? नहीं नगमा जी, इसमें बड़ा स्पष्टता से कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि जो मर्यादा है वो भी लागू होगी और जो कानून बना है उसकी एजुकेशन एसजीपीसी करेगी, सरकार नहीं करेगी, एजुकेटिव करने की पावर फिर एसजीपीसी के पास है। और एक बात और, पिछले एक साल से सुप्रीम जो संस्था है काल तख्त साहब के जथेदार, वो भी बार बार कह चुके हैं कि एक अलग चैनल बनना चाहिए या सबको एक समान अधिकार होने चाहिए, मोनोपोली टूटनी चाहिए। उनकी बात तो मानी क्या थी, उनको तो मोनोपोली मोनोपोली टूटनी चाहिए, लेकिन सबको उसकी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके ऊपर जो जो सियासत है, ये अकाली बनाम आपका मामला होके रह गया है। तो धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। अकाली दल को ये लगता है कि इसके तहत एक बंटवारा किया जा रहा है या ये एक राजनीति है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये पीटीसी की ही मोनोपोली क्यों रहे, उसे लेकर एक परिवार की राजनीति हो रही थी। तो गुरबानी मुफ्त तो है, सबके लिए है, लेकिन इसके ऊपर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। अब और एक टकराव नया मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है। एक ब्रेक लेंगे 5 की बात में, और उसके आगे प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए, क्या क्या कार्यक्रम है वहां, ब्रेक के बाद।
प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी उनके सम्मान में डिनर का आयोजन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इंडो अमेरिकन समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री के दौरे से बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में मिलेट से बनने वाली डिश एड की है। सार रेस्टोरेंट के मुताबिक मिलेट से बनी डिशेज की मांग बहुत ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी में इंडो अमेरिकन समुदाय के लोगों ने भारत का राष्ट्रगान गाया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को नई पहचान दी है। 21 जून यानी कि बुधवार को न्यूयॉर्क में अमेरिका के सीईओ से मुलाकात करेंगे मोदी जी। यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस का कार्यक्रम है। 22 को यूएस कांग्रेस में पीएम का संबोधन है और 23 जून यानी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उनका स्टेट डिनर है। तो आज की बात में इस वक्त एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश के एक माफिया राकेश यादव के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चलाया गया। पुलिस प्रशासन को साथ लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने यह कार्रवाई की। संपत्ति की जांच कराने पर पता चला है कि गुलरिहा के झुग्गियों में राकेश यादव ने बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण कराया। गैंगस्टर राकेश यादव पर गोरखपुर के अलावा संत कबीर नगर, महाराजगंज और आजमगढ़ जिले में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, धमकी देने, गैंगस्टर, गुंडा व आर्म्स एक्ट के 52 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का शिकंजा कसने पर राकेश यादव 3 जून को अपनी जमानत रद्द कराकर जेल चला गया। तो पांच की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।